हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज वर्ल्ड वाइड फादर डे है, पिता का दिन, जिमें मदर डे है मां का दिन। मैं सोचता कई बार भी इतने बिजी लाइफ है, विदेशों में कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई पायलट बन रहा है, दूर दूर बच्चे पढ़ने वास्ते गए है, तो छुट्टी लैके बिजी लाइफ विचों टाइम कढ़ के न्याणे अपने मां कोल मां वाले दिन, पिता कोल फादर डे वाले दिन आउंदे है, गिफ्ट लैके आउंदे है। पर मापियां वास्ते तो सब तो वड्डा गिफ्ट उन्हां दे बच्चे ही हुंदे है, जिहड़े कुदरत ने उन्हां नूं गिफ्ट दिता है। सो एक दिन मां दा, एक दिन पिता दा, एक दिन साडा ते कोई दिन ही ना हुंदा जे साडे मां प्यो सानू पैदा करन दा डिसीजन ना लैंदे, जो फैसला ना करदे सानू जम्मण दा, तां साडा तां कोई भी दिन नहीं सी होणा। सो ये फादर डे उत्ते मैं कहना चाहवांगा कि मां दे उत्ते बड़ियां किताबां लिखियां जांदियां ने, मां दे उत्ते बहुत सारे आर्टिकल छपदे ने, मां दे उत्ते बहुत सारियां कवितावां बनियां ने, मां दे उत्ते बहुत सारे गीत बने ने, ते पिता नूं हमेशा एक साइड ते रखिया जांदा है। हालांकि पिता दा बहुत वड्डा साडी जिंदगी दे विच रोल हुंदा है, मर्द होण करके वो अपने इमोशन जिहड़े ने उहनां ते काबू पा के रखदे ने, ते औरत जिहड़ी है साडी मां जिहड़ी है वो अपने इमोशन प्रगट कर दिंदी है। मां भज के अपने पुत नूं धी नूं ऐ गल नाल लाउंदी है। कई बार असीं अपने मां मां दे ते गल लग लैंदे आ, गल भी कर लैंदे आ, पर पिता तो एक गैप जिहा साडे च बणिया रहिंदा। बहुत सारे मेरे हाणी होणगे 35 साल दे, 40 साल दे, 30 साल दे, 25 साल दे, ऐदा नहीं कि प्यो नूं कुट के मिले हुए होण, नहीं इदां मिलदे नहीं, संगदे है, शर्म मनदे है साडे कल्चर च, पंजाबियां च ते खास करके इंडिया च। पर इहदा मतलब ये नहीं हुंदा कि पिता दा प्यार घट हुंदा है। जिथे मां 9 महीने बच्चे नूं कुख विच रखदी है, उथे पिता सारी जिंदगी इत्थे रखदा, सारी जिंदगी। जदों बच्चा ऐदां हत्थां ते रखिया जांदा, उस दिन तो ही पिता जिहड़ा आ फर्ज समझदा है कि हुण मैं इहनूं वड्डा करना है, मैं इहदा पालन पोषण करना है, मैं इहनूं किसे मुकाम तक लैके जाना है, मैं इस धी वास्ते कोई चंगा वर घर लभना है, अपनी वित तो भी वध के करजे चक के जमीना वेच के अपने बच्चियां लई पिता करदे है। इत्थे तक कि आप साइकलां ते गुजारा करदे है ते अपने बच्चियां नूं मोटरसाइकल लैके दिंदे है। आप सारी जिंदगी मिट्टी नाल मिट्टी होए रहिंदे है, पर अपने पुत्तां नूं गड्डियां दा सुख दिंदे है। आप अनपढ़ रहे है, पर अपने बच्चियां नूं वड्डियां तों वड्डियां यूनिवर्सिटियां विच कनेडा तक पढ़न लई भेजदे है। सो किन्नी मेहनत साडे पिता करदे है। हाँ, सुभाअ कई वारी गुस्से वाला हुंदा, वेखण नूं लगदे ने भी बड़े गर्म ने जी, गुस्सा करदे है, पर बड़ा अंदर प्यार छुपिया पिया हुंदा। मैं जिवें पहलां कहा वी उह प्रगट नहीं कर सकदे। औरत अपने इमोशन, मां अपने इमोशन प्रगट कर दिंदी है, रो लैंदी है, प्यो ने ते जे रोना भी हुंदा है ते उल्ले हो के रोंदा है। मां बच्चे नूं विद्या करन लगी भुब्बा मार मार के रोंदी है, ते प्यो बूआ बंद करके रोएगा, उल्ले हो के रोएगा, हवेली च जा के रोएगा, खेत चलिया जाएगा। असीं आम वेखदे हां रोण लग्या भी शर्म मनदा है। सो ये गैप साडे च हमेशा रहा है। पर जिथे मां वास्ते कलमां बहुत चुप ने, साहित बहुत चुप है, किताबां बहुत घट लिखियां, पिता वास्ते चुप ने जेड़े, मां वास्ते बहुत कुछ लिखिया जांदा है, पर उत्थे पिता दा भी उड़ा ही वड्डा रोल साडी जिंदगी च हुंदा है। सो मैं कहना चाहवांगा देश विदेश विच वसण वाले हर धी पुत नूं
कि अपने पिता वास्ते हमेशा उन्हां दे सुख वास्ते जतन करो, उन्हां नूं खुश रखण दा जतन करो। उन्हां बच्चियां नूं पुछ के वेखो जिन्हां दे बचपन विच पिता जिंदगी विचों चले जांदे है जां सुखा लदिया प्यो छड के चलिया जांदा है, उन्हां ते की बीतदी है। जे तुहाडे घर विच कोई बजुर्ग बापू पिता भी है ते जिन्नी रिस्पैक्ट कर सकदे हो अपने पिता दी करो, मां दी रिस्पैक्ट करो। इन्हां देशां विच बहुत वड्डी लोड है। मैं अमरीका 2 महीने इस वारी रह के वेख्या, इन्हां देशां विच बहुत वड्डी लोड है इस चीज़ की। मैं एक नुकता सांझा कर ही देना पिता की गल करद्या करद्या कि बहुत सारे माँ प्यो ने ना जिहड़े अमरीका विच, कनेडा विच, आस्ट्रेलिया विच आ के इन्हां ने अपने बच्चियां दे घर फ्री करन वास्ते बहुत जतन किया। साडे बच्चियां दे घर फ्री हो जाण, साडे बच्चियां नूं आ दे दईए आ दे दईए, बहुत जतन करदे आ। ते उत्थे बच्चे भी थोड़ी जिहा फर्ज समझ लैण, जिम्मेवारी समझ लैण, बाहरलियां स्कूलां विच पढ़ के वह अपने माता पिता की रिस्पैक्ट ना घटाउण, क्योंकि वह दिन रात मरदे है इन्हां देशां विच वेखीदा। माँ प्यो नूं भी चाहीदा है कि थोड़ा जिहा इन्हां देशां विच ते फलैक्सीबल हो जाण, थोड़ा जिहा अज दी जनरेशन नूं समझण, उहनां दीआं भावनावां नूं समझण। पर उत्थे बच्चियां दा ज़्यादा फर्ज है कि माता पिता दा बणदा सतकार करन, रिस्पैक्ट देण उहनां नूं, क्योंकि उन्होंने वड्डे वड्डे घर तुहानूं फ्री करके देने है। किन्ना किन्ना डाउन पेमेंट देने लई तुहाडे लई उद्यम करदे है। इन्हां देशां विच वी, अमरीका कनेडा च वी, मैं वेखदा कई वारी कई मापे बड़े दुखी है बच्चिआं, बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चे गोरियां वर्गे बन गए, स्टाइल बदल गया उन्होंने। सो मैं इन्ना कहना चाहना जिथे फलैक्सीबल थोड़ा जहा माँ प्यो होने की भी लड़ है, बच्चों दावनावान भी समझ, उन्होंने मौके देन, उन्होंने थोड़ा जहा खुलन देना पेगा। पर बच्चे भी आजाद तो हो पर आवारा ना हो, थोड़ा जहा ध्यान रखन। सो अज पिता का दिन करके मेरे मन में सी कि मैं इन्नी गल थोड़े नाल जरूर करा, और हर उस पिता को सलाम करो। देखो एक जॉब करने वाला पिता है साडा, एक नौकरी करने वाला पिता है साडा, एक ऑफिसर पिता है साडा, पर वह भी पिता जिहड़े जिन्हां दीआं दाड़ियां च सारी जिंदगी तूड़ी फसी रही, जिन्हां ने हड़ंबिआं दे विच जा के कंबाइनां मगर फिरदिआं ने सारी जिंदगी, जिन्हां कोल चज तरां नहाउण दा टाइम नहीं मिलिआ, इन्नी मेहनत करके बच्चिआं नूं किते दी किते पछाया है। अज दा दिन उन्हां पिता दे नाम करो, उन्हां नाल गलबात करो, दुख सुख फोलो, हाल चाल पुछो। इन्ने नाल ही मां प्यो जिहड़े ने ना खुश रहिंदे ने, माड़ा जिहा तुसीं हाल चाल ही तरीके नाल पुछ लो ना, इन्ने नाल ही खुश रहिंदे आ। सो तां करके इन्नी कु गल मैं कहनी चाहुंदा सी, हर उस पिता की भावना नूं सलाम है जिहड़े अपनियां भावनावां नूं दबा के अपने बच्चियां वास्ते स्ट्रगल करदे आ, फर्ज समझदे आ अपना, ते उत्थे बच्चे भी अपना फर्ज समझण। एक दिन फादर डे नहीं, रोज़ अपने पिता लई टाइम कढ के भावें 2 मिनट गल कर लिया करो, जरूर करिया करो, कोशिश करिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।